वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है सर्कल। सर्कल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, बट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फिर से बताना चाहता हूँ। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है उसे हम जनरली क्या करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ओ हो जाएगा, और इसको अगर मैं किसी भी, ये जो पूरा पूरा बाउंड्री से देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये जो आप बाउंड्री से देख रहे हैं, ये बाउंड्री है सर्कल की, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो वही सर्कमफेरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, सो दैट आपको स्पेलिंग पता रहे। और फिर सेंटर से लेकर के अगर मैं इसकी सर्कमफेरेंस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और वही अगर एक लाइन जो दोनों की दोनों मतलब एक तरफ से यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, सेंटर को टच कर रही है एक कॉर्ड, और इसी को कॉर्ड, आपको पता है क्या होता है, कोई भी दो पार्ट के सर्कल को टच करे, जैसे कि ये भी एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर को हम नॉर्मली क्या करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, टू आर होता है। टू आर कैसे होता है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो चीज़ है वो एक आर है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो भी क्या है, यहाँ पर आर है। तो ये आर प्लस आर हमें क्या मिल जाएगा, टू आर। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, टू आर होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला है। अभी मैंने जैसे कि वो बताया था कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, मतलब ये जो बाउंड्री है, इसके हम उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाए डी। अब देखिए डी की वैल्यू क्या है, टू आर है, तो यहाँ पे डी की जगह पर मैं टू आर लिखूंगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाए इंटू टू आर। तो सी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ टू पाए आर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, डी इक्वल टू टू आर होता है ये एक फॉर्मूला है, सी इक्वल टू पाई डी होता है ये एक फॉर्मूला, और सी इक्वल टू टू पाई आर होता है ये एक फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रहने चाहिए अगर हमें प्रैक्टिस सेट 42 सॉल्व करना है। तो अभी देखिए प्रैक्टिस सेट 42 में फर्स्ट क्वेश्चन देखा के रखा हुआ है, कंप्लीट द टेबल बिलो। तो अभी हमको फर्स्ट पार्ट में क्या किया, रेडियस की वैल्यू देखा के रखी हुई है, डायमीटर की वैल्यू बतानी है, और सर्कमफेरेंस की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो रेडियस हमें देखा के रखा हुआ था यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, डी इक्वल टू होता है टू आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 2 7 का कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर की जगह पे हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे 14 सेंटीमीटर। हम लोगों ने आर के थ्रू डी की वैल्यू निकाल ली है, हमें सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो सी इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, टू पाई आर भी होता है और पाई डी भी होता है। तो पाई डी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ये इक्वल टू आ जाएगा, पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 22/7। ये आपको पता ही होगा पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू डी की वैल्यू की हमारे पास में 14। तो 7 1 7 7 2 14, तो ये हमें इक्वल टू क्या मिलेगा, 22 2। तो ये क्या हो जाएगा, 22 2 कितना मिलेगा, 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस हम लोग लिख देंगे 44 सेंटीमीटर। अभी देखिए सेकंड पार्ट में क्या है कि हमको ना रेडियस की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन नहीं है, लेकिन डायमीटर की वैल्यू गिवन है 28 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस की वैल्यू भी गिवन नहीं है, मतलब हमें वो फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। अब हमको पता है कि d इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। अब d की वैल्यू क्या हमारे पास में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं 28 सेंटीमीटर लिख दूंगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r आ जाएगा। अभी क्या होगा, बोथ साइड देखिए r के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है r के साथ में। 2 सेट क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14। तो r इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू मिलेगा 14 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पे मतलब सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो सी इक्वल टू क्या होता है, पाए डी होता है, ठीक है। तो पाए की जगह पे क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू डी की वैल्यू क्या हमारे पास में, 28 7 7 7 4 28। तो ये इक्वल टू हमें मिलेगा 22 4, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अभी देखिए थर्ड पार्ट के अंदर हमें रेडियस भी गिवन नहीं है, डायमीटर भी गिवन नहीं है। तो हमें जो पहले गिवन है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे लिख लेंगे। सी इक्वल टू आपको देकर रखा है 616 सेंटीमीटर। सी का फॉर्मूला हमको पता है, इक्वल टू होता है पाए डी। तो सी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा 616 इक्वल टू, पाए की वैल्यू क्या आपको पता है यहाँ पे, 22/7 इंटू क्या आ रहा है, डी आ रहा है। अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बोथ साइड क्या करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि देखिए डी के साथ में क्या हो रहा है, 7 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ये डिवाइड कर रहा है 7 को। इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने वही इक्वेशन दोबारा लिख ली है, यहाँ पे इंटू 7 कर दिया, यहाँ पे भी इंटू 7 कर दिया। तो 7 से क्या हो रहा है, 7 कैंसिल हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, 616 × 7 इक्वल टू 22 d। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 22 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी 22 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी 22 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये 22 से क्या हो जाएगा, 22 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे,
और ये 616 को हम 22 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 28। तो d इक्वल टू हमको यहाँ पे मिल जाएगा 28 इंटू 7, तो d इक्वल टू हो जाएगा 196। तो हम d की जगह यहाँ पे लिख देंगे कितना मिल रहा है हमको, 196 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास d की वैल्यू है 196 सेंटीमीटर। तो हमको पता है d इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। तो d की जगह पे हम क्या लिख दूंगा, 2r लिख दूंगा मैं यहाँ पे। आप कैसे भी इसको मेंशन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको एक डिफरेंट डिफरेंट मेथड आने चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 196 आ जाएगा। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 298। ठीक है, 196 को 2 से डिवाइड करें हमें मिलेगा 98। तो r इक्वल टू हमें मिल जाएगा 98 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। देखिए फोर्थ पार्ट भी जो बहुत सिमिलर है, यहाँ पर हमें सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू है वो गिवन है, तो हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72.6 सेंटीमीटर। हमको पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस की जगह पे 72.6 लिख देंगे, इक्वल टू पाई, पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7 और इनटू डी की जगह पे डी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन मैं क्या करूँगा यहाँ पर अभी कि बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 72.6 इंटू 7 इक्वल टू 22/7 इंटू डी इंटू 7। तो ये 7 से क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 72.6 इंटू 7 इक्वल टू 22 इंटू डी। अब बोथ साइड क्या करेंगे, 22 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 22 से डिवाइड कर देंगे। 22 से क्या हो जाएगा, 22 कैंसिल हो जाएगा और 72.6 को हम 22 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3.3। तो d इक्वल टू हो जाएगा 3.3 इंटू 7। d इक्वल टू हमको यहाँ पे मिल जाएगा 23.1। तो d की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 23.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब d की वैल्यू हमारे पास में है, तो d इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, 2r होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23.1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो और 23.1 को अगर आप 2 से डिवाइड करें आपको मिलेगा 11.55 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हमें देखा कि रखा हुआ है 176 सेंटीमीटर, तो हमें उसकी रेडियस निकालनी है। सिमिलर एकदम जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा वैसे ही करना है। यहाँ पे जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, सी इक्वल टू 176 सेंटीमीटर आ गया। तो सी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 2πr होती है, πd भी होती है। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर πd कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, पाई डी भी होती है, मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था, 2πr भी होती है, लेकिन हमें डायरेक्टली रेडियस पूछा है, मैंने डायरेक्टली 2πr लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 176 आ जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, बोथ साइड यहाँ पर 2 से पहले डिवाइड कर दूंगा, 2 को कैंसिल करने के लिए। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 176 2 से करेंगे तो 2 8 16 और 2 8 16 आ जाएगा। तो पाई आर इक्वल टू हमें मिल रहा है 88। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 22/7 और यहाँ पे r आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो रहा है, 88। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटू 7 कर देंगे, यहाँ पे भी क्या करूँगा, इंटू 7 कर दूंगा। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अभी हमको क्या मिल रहा है, 22r इक्वल टू 88 इंटू 7। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोथ साइड डिवाइड बाय 22 कर दूंगा, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे भी 22 आ जाएगा। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 22 1 22 और 22 4 88। तो r इक्वल टू हमको मिलेगा 4 इंटू 7, आर इक्वल टू हो जाएगा 4 7 28 सेंटीमीटर। तो देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे देखा के रखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर, व्हाट वुड इट कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड फेंस अराउंड दिस गार्डन एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेडियस देखा के रखे हुए सर्कुलर गार्डन की कितनी है, 56 मीटर है, और कितनी कॉस्ट लगेगी, 4 राउंड लगाने की। तो अगर सर्कुलर गार्डन है तो 1 राउंड के पहले हमको कितना मीटर लगेगा वो हम निकालेंगे, मतलब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रेडियस है हमको 56 मीटर देके रखी, तो मैंने लिख दी है यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे, सर्कुलर गार्डन में लगाना है, उसकी बाउंड्री पे लगाना है हमको। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एक सर्कुलर गार्डन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ रफ के अंदर में, तो इसी की जो बाउंड्री बाउंड्री होगी ना, मतलब उसी के ऊपर में लगेगा, एग्जैक्ट बाउंड्री के ऊपर लगेगा। ठीक है, ओवरलैप होगा मतलब, और ऐसे हमको टोटल कितने लगाने हैं, 4 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, इसने बोला ना 4 राउंड सेंस, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे 4 राउंड लगेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक बार में कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन। तो कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन भी क्या होगा, सर्कुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो इक्वल टू 2 इंटू, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 56। देखिए 7 वन का क्या होता है, 7 और 7 8 56 होता है। तो ये हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू 22 इंटू 8,
तो ये हमको मिल जाएगा 44 इंटू 8 करेंगे हम लोग यहाँ पे। 44 इंटू 8 अगर आप करेंगे आपको कितना मिलेगा 352 मीटर। तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर वन राउंड इक्वल टू 352 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर वन राउंड अगर 352 मीटर हो रहा है तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर फोर राउंड इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 352। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 इंटू 352 अगर हम लोग करेंगे तो हमको मिलेगा 1408, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। अभी देखते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन में तो बोला 40 रुपीज लग रहा है 1 मीटर के लिए, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? ठीक है, 40 रुपीज लग रहा है 1 मीटर के लिए, तो 1408 मीटर के लिए कितना लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 40 इंटू 1408 हो जाएगा, तो इक्वल टू हमें मिलेगा ये रुपीज 56,320। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन में देखा के रखा हुआ, द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। अब देखिए जो व्हील है बुलक कार्ट का कितना डायमीटर कितना है 1.4 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1.4 मीटर से हम लोग क्या करेंगे उसका सर्कमफेरेंस पहले निकाल लेंगे। आपको देखिए ये चीज़ ना समझनी है, मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ रफ के अंदर में पहले, कि एक बुलक कार्ट है उसका डायमीटर अगर मैं देखा के रखा तो पहले हम क्या करेंगे सर्कमफेरेंस निकालेंगे। सर्कमफेरेंस के थ्रू मतलब क्या होगा, ये मान लीजिए आपका पूरा रोड है, ये मान लीजिए आपका पूरा रोड है 1.1 किलोमीटर का। अब मान लीजिए ये वाला जो आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है येलो कलर से सर्कल या उसका जो व्हील है वो, अगर इसका ना हमको पहले क्या निकालना है सर्कमफेरेंस निकालना है। इसका सर्कमफेरेंस मान लीजिए अगर है 50 मीटर का, तो वो क्या करेगा एक सर्कल अगर कंप्लीट करेगा तो कितना कंप्लीट करेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 मीटर। उसका फिर से कितना करेगा एक और राउंड अगर कंप्लीट करेगा तो कितना कंप्लीट करेगा 50 मीटर। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ, मान लेते हैं एक और, जैसे कि आपको समझाया था मैं कॉन्सेप्ट कि ये 1 किलोमीटर का पाथ है पूरा। ठीक है, तो एक टायर हो जिसका सर्कमफेरेंस मतलब जिसकी बाउंड्री है वो भी 1 किलोमीटर की होगी, तो अगर वो अपना एक रेवोल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करेगा तो 1 किलोमीटर कंप्लीट करेगा, मतलब एक चक्का घूमेगा, अगर एक बार भी घूमेगा एक राउंड भी घूमेगा तो 1 किलोमीटर कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसका ये जो है वो कितना होगा अगर 1 किलोमीटर होगा। आई होप आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना क्लियर होगा कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे, जो हम गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे, तो डायमीटर हमें गिवन है तो d इक्वल टू आ जाएगा 1.4 मीटर। तो सर्कमफेरेंस हम लोग निकालेंगे, हमको पता है क्या होता है पाए d होता है इक्वल टू पाए आ जाएगा और d के पे क्या आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। राइट, अभी पाए की वैल्यू हमारे पास में क्या है 22/7 इंटू 1.4 हो जाएगा, तो 7 × 7 = 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू 0.2 मीटर। तो ये इक्वल टू सर्कमफेरेंस हमें मिलेगा यहाँ पे 4.4 मीटर। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टोटल, तो ये इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, हमको देखा के रखी हुई है 1.1 किलोमीटर। राइट, और सर्कमफेरेंस कितना हमारे पास, हम लोगों ने निकाला है 4.4 मीटर। अब देखिए यहाँ पे कैच ये है कि किलोमीटर है, किलोमीटर है इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे 1.1 इंटू 1000 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 1000 अपॉन 4.4। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो ये डेसिमल से क्या हो जाएगा डेसिमल हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो 11 और 44 हो रहा है तो 11 × 11 = 44 हो जाएगा। ठीक है, और 1000 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 250। तो यहाँ पे 250 रोटेशन हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।